व्रतों में खाने के लिए बिल्कुल ही नया नाश्ता जो कि बहुत ही कम ऑयल में बनके रेडी होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनिष्का एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूड फूड विद अनिष्का। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ उन्हीं व्रत के सामान से बनने वाला बिल्कुल एक नया नाश्ता जो कि आप एक बार खा लेंगे तो आप बार बार इसे खाएंगे। तो चलिए फिर देर किस चीज, तो शुरू करते हैं आज के इंग्रेडिएंट और रेसिपी के साथ। तो इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले एक बैटर रेडी करना है। तो हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है और उसे हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। हाफ कप ही मैंने यहाँ पर कुट्टू का आटा लिया है जिसे हम बकव्हीट भी बोलते हैं। और इसका बैटर बनाने के लिए 3-4 टीस्पून मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही इसको एक सॉफ्टनेस देता है, हमारे बैटर को एक अच्छा फ्लफीनेस देता है। तो इसमें दही बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अकॉर्डिंगली हम इसमें पानी डालते जाएंगे। हमें इसका एक रनी बैटर तैयार करना है और साथ ही में सॉल्ट और पेपर भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो 1/2 टीस्पून के करीब मैंने पेपर ऐड किया है। और नवरात्रे हैं, व्रत है, व्रत के लिए हम ये नाश्ता बना रहे हैं तो सेंधा नमक मैंने यहाँ यूज किया है। और पानी थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जा रहे हैं और इसका एक स्मूथ बैटर हमें रेडी करना है। थोड़ा रनी होना चाहिए वो बैटर, क्योंकि हम इसे जब रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो साबूदाना ना सारा पानी सोख कर लेगा। तो इसलिए पानी इसको अच्छे से पिलाइएगा, पानी में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। तो यहाँ हमारा बैटर देखिए काफी रनी है, काफी अच्छा लिक्विडी है। तो इसे हम 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो झटपट चलते हैं अपनी फिलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। मेरे पास बड़े थे तो मैंने इसलिए 2 लिए हैं, आप 3 या 4 भी ले सकते हैं इसकी फिलिंग के लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे भी हमने ग्रेट करके लिया है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च ले रही हूँ जिसे मैंने बारीक काट लिया था। और हाँ, एक चीज जो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वो है धनिया पत्ती। मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब यूज कर रही हूँ और 1/2 कप ही मैंने यहाँ पर जो मूंगफली है उसे रोस्ट कर लिया था, थोड़ा कोसली ग्राइंड किया है। और सॉल्ट पेपर डाल के हम अपनी ये स्टफिंग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारी देखिए बॉल्स बन के रेडी हो गई है। 5 से 6 बॉल्स आराम से बन जाती है इतने उसमें। और तब तक हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई है, ये 10 मिनट में अच्छे से इसने पानी सोख कर लिया है। थोड़ा इसे सॉफ्ट करेंगे इस बैटर को, तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें इसका बैटर रेडी करना है। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने यहाँ पैन लिया है जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसे हम देसी घी, जी हाँ, इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे, यूज करेंगे। तो देसी घी से इसे मैंने ग्रीस किया है और 2 से 3 लेडल भर के मैंने यहाँ पर अपना बैटर डाला है। तब तक हमारे पास जो आलू की टिक्की थी उसको हमने थोड़ा सा पतला फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, साइज के अकॉर्डिंग हम इसे पतला कर लेंगे। और बस अब हम इस टिक्की को अपने इस बैटर के ऊपर रख देंगे और साथ में थोड़ा सा देसी घी से जरूर ग्रीस कर दीजिएगा साइड में, जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी बनकर एकदम रेडी हो। 2 मिनट के लिए अब हम इसे ढककर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए, तो आइए इसका हालचाल ले लें। तो इसको अब हम फ्लिप करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्लिप करने के बाद वाओ कितना अच्छा इसका कलर निकल कर आया है, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन सा। और इसे अब हम टिक्की वाली साइड से भी अच्छे से कुक होने देंगे। और यहाँ पर भी अब हम इसे फ्लिप करके देख रहे हैं, तो ये देखिए हमारी टिक्की भी एकदम गोल्डन ब्राउन सी सिक्के बहुत अच्छे से रेडी हुई है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो बस अब ये हमारा कुक होके रेडी है। ये मेरा पैन जो है वो थोड़ा छोटा था तो मैंने 1 बनाया है, आप चाहें तो इसमें एक बार में 2 से 3 भी आराम से बन जाते हैं। तो इसे मैंने पिज्जा कटर से कट कर लिया है और ये हमारा फलहारी नाश्ता बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एकदम बनके रेडी है। इसे मैं सर्व कर रही हूँ हरे धनिया की व्रत वाली चटनी के साथ और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये नाश्ता इतना फिलिंग होता है कि अगर आपने इसके 2 खा लिए तो आप बिल्कुल डन हो जाएंगे। और बहुत ही यूनिक और टेस्टी नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है जिसे बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी ये फलहारी नाश्ते की रेसिपी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल मूड फूड विद अनिष्का पर नए हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करके उस छोटे से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे छूटे नहीं। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मूड फूड विद अनिष्का के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।